हेलो हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? और आज अपने एक अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो ये रियल मी का फ़ोन है। अभी न्यू लेटेस्ट फ़ोन है रियल मी 10, 4 GB 16 4 GB आता है उसके अंदर, 4 GB 64 GB है। और फ़ोन लुक से और डिज़ाइन से एकदम देखो फिनिशिंग लुक के अंदर साथ में ये फ़ोन दिया है, लुक बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें दो तीन वेरियंट आते हैं, रियल मी 10 प्रो, 10 प्रो प्लस, प्रो 5G, और ये रियल मी का 10 है, सिर्फ 10 है। 4 GB 64 GB 14,000 के करीबन का रेट में फ़ोन ही आता है, और लुक से बहुत जोरदार दिया एकदम। फिर पीछे का जो है एकदम फ्लैट लुक है, देखो मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, एकदम फ्लैट है पूरा पीछे वाला, और एकदम शाइनिंग में। पीछे के दो कैमरे हैं, फ्लश एकदम फ्लैश लाइट है, और यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ एयरफोन जैक का है, और ये है क्या स्पीकर का है। और कितना जोरदार फ़ोन है, देखो इसका ये बॉक्स है, और बॉक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या है। एक चार्जर आता है, वो चार्जर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चार्जर है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको एक केबल है USB, और उसके अंदर ये प्लास्टिक का उसका एक कवर भी आता है, और ये अंदर एक पिन भी आती है, और बहुत बहुत ज़ोरदार है लुक से डिज़ाइन से भी। अब आपको मैं नॉर्मली इसको एक अबाउट फ़ोन खोल कर दिखा देता हूँ, रियल मी 10 64 GB, प्रोसेसर है हेलियो G99 ऑक्टोकोर को आता है, और उसमें 4 GB रैम है, 1 GB एक्सटर्नल है, एंड्रॉयड 12 है, और इसमें 13 हो जाएगा क्योंकि अपडेटिंग सिस्टम है। और फ़ोन शाइनिंग है बहुत ज़ोरदार है, जो एकदम फ्लैट फ़ोन है, और दिखने में लुक में तो बहुत एकदम हट गई फ़ोन है। बाकी उसका सेल्फी कैमरा भी मैं आपको एक बार लेकर दिखा देता हूँ, सेल्फी कैमरा किस तरह का है, सेल्फी कैमरा भी बहुत बड़ा ज़ोरदार है एकदम। और वैसा भी ये फ़ोन जो ये प्राइस दिए, इस प्राइस में 13-14 हज़ार की रेंज के अंदर, उसमें चारे फीचर एकदम बहुत बड़े ज़ोरदार हैं। तो अपने एक बार पूरा पूरा देखेंगे उसके में कि क्या क्या उसमें प्रोसेसर है, कैसा सिस्टम है, किस तरह का फ़ोन आता है, और लुक से भी और डिज़ाइन से भी। अदरवाइज़ भी उसके ज़्यादा लुक और डिज़ाइन मैटर नहीं करता, इससे कई गुना ज़्यादा आपके अंदर जो उसके प्रोसेसर क्या होता है, रैम क्या होती है, उसको भी अपने एक बार देख लेते हैं। उसमें साइड में फिंगरप्रिंट और ऑन ऑफ की स्विच दोनों साथ में ही है, और प्लस माइनस का भी साइड में है, और ज़्यादातर अपने उसको एक बार देख लेते हैं। उसके अंदर मीडियाटेक हेलियो G99 का प्रोसेसर आता है, 4 GB रैम है, 64 GB है, 1 GB एक्स्ट्रा रैम है, और गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्शन के साथ में आता है, और मेन कैमरा जो पीछे का 15 MP का आता है 10x डिजिटल जूम के साथ में, बाकी ये दो का है और LED फ्लैश के साथ में है। और अभी अदरवाइज आपको जो इसका दिखा देते हैं, जो सेल्फी कैमरा 16 MP का है, और स्क्रीन फ्लैश के साथ में फुल HD में 3 FPS के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग है, और उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर उसके अंदर आता है। अदरवाइज भी आप देखा जाए तो फ़ोन बहुत अच्छा है, जो प्राइस दिया है इस प्राइस के हिसाब से, और लुक से भी बहुत ज़ोरदार है, क्योंकि जो ये प्राइस एकदम कंपनी के हिसाब से बहुत ज़ोरदार है, और फीचर उसके बहुत अच्छे से हैं, जो कम बजट में आप बाकी फ़ोनों के कंपेयर में देखने जाओगे तो इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आज 10-12 हज़ार 13 हज़ार की रेंज में आप फ़ोन लेने जा रहे हो, तो बस सारी कंपनी बहुत अच्छी चीज़ है। अब लुक पे ज़्यादातर सब फोकस करते हैं, और प्रोसेसर और मेन चीज़ उसकी जो बैटरी बैकअप है वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और बहुत एकदम अच्छा शानदार है, और डिज़ाइन से लुक से भी, और क्या क्या फ्यूचर है वो भी। अदरवाइज बहुत सारे डिवाइस मेरे पास में आते हैं, परंतु ये डिवाइस मैंने आज एक आया था, बहुत अच्छा लुक में न्यू था, इसके लिए मैंने आपको एकदम व्यू करके दिखाया है। एक बार वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब जरूर करना।